शनिवार को मंडी शहर में ब्यास नदी के तट पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई। यह विसर्जन शहर के एकादश रुद्र मंदिर के साथ सुकेती खड्ड और ब्यास नदी के संगम पर स्थित घाट पर किया गया। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से घाट तक एक कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और स्थानीय जनता ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान सदर मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा भी कलश यात्रा में शामिल हुए। वे अपने हाथों में कलश उठाकर ब्यास नदी के घाट तक गए। घाट पर शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल सेन ने हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों को ब्यास नदी में प्रवाहित किया। इसके साथ ही सभी मौजूद लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत वीरभद्र सिंह के समय रहते हुई है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश के साथ मंडी जिला के विकास में भी अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मंडी में हमारे दिवंगत नेता राजा वीरभद्र सिंह जी की अस्थियों को व्यासा में विसर्जन किया गया, और ये सच्चाई है। इंसान आता है, जाता है, और इस सच्चाई से कोई मोड़ नहीं सकता। परंतु जहाँ तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात रही है, और उनका हमेशा प्रदेश के अंदर सारी उम्र उनको इस देश की, प्रदेश की चिंता रही, और इसको आगे ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। आज भी इन अस्थियों के प्रभाव से जिस जिस विधानसभा के अंदर ये अस्थियों का प्रभाव किया जा रहा है, मैं समझता हूँ एक आशीर्वाद के रूप में वो इस हर विधानसभा को जो है आज दे रहे हैं। हर विधानसभा के अंदर उनका मार्गदर्शन रहा, और मुझे भी राजनीतिक परिवार से तो मैं आया, परंतु असली राजनीति, असली काम करने का तरीका 1993 के अंदर जब मैं विधानसभा में पहुंचा और पहली बार मैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, और उनके काम करने का तरीका सारी उम्र मुझे याद रहेगा, किस तरीके से जो है प्रदेश के अंदर काम किया जाता है। उनके मार्गदर्शन के अंदर जहां प्रदेश आगे बढ़ा, मंडी विधानसभा भी क्षेत्र भी हमारा जो है उन्हीं के कार्य के रूप में जाना जाएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।